नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, आज बार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआर फोर में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण, क्या चलेगा? हिंदी व्याकरण। लास्ट संडे का क्लास आपका कहां से वर्ण से शुरू हुआ था, वर्ण शब्द के पूरे भेद पढ़ा दिया था हमने, विकारी अविकारी पे रुका था। आज विकारी अविकारी के आठों भेद पढ़ेंगे हम। तो शुरू कहां से होगा आपका क्लास? संज्ञा से, संज्ञा से शुरू होगा, फिर संज्ञा के पूरे भेद पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे और आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी द होल वर्ल्ड इज नाउन, पूरी दुनिया जो है वो संज्ञा है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका सब नाउन है ना, सारी चीजों का नाम है। एक टू चीज जो है, जैसे कि अंग्रेजी में सब कुछ का नाम अंग्रेज रोक दिया, एक ओल जो था ना उसे छूट गया था। ओल ना बुझते हो, ओल का अचार बनता है, तो ओल नुकाना हुआ था, उसका पत्ता देखा होगा, नहीं रोक पाया। जब अमेरिका चला गया अंग्रेज सब इंग्लैंड, तो अब कोई कहा कि एका तो अंग्रेजी मन में ना किया, तो फिर वहां से वापस आया तो उसके अंग्रेजी का रखा रूट बीट। हाँ, रूट बीट माने ओल होता है, क्योंकि रूट माने जड़ होता है। तो मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका अंग्रेजी नहीं बना हुआ, जिसका नाम नहीं है। तो द होल वर्ल्ड इज नॉन, पूरी दुनिया संज्ञा। अब संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? पांच भेद हैं, है ना। पहला आपका आता है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, उसके बाद क्या जाता है द्रव्यवाचक, उसके बाद आता है आपका समूहवाचक, उसके बाद लास्ट है आपका भाववाचक, ठीक है। ये पांच आपका पूरा हो गया, ठीक है। पांचों का डिफिनेशन हम पढ़ते हैं। संज्ञा समझ में आ गया आपको कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कॉपी कलम किताब लड़का लड़की कोई भी हो जाता है वो संज्ञा हो जाता है आपका। संज्ञा के मुख्य पांच भेद है, ठीक है। पहला जातिवाचक, देखिए किस जिससे किस पूरी जात का पता चले, तू ही बचे हुए थे आ जाओ, है ना, जिससे पूरी जात का पता चलता है उसे हम जात, देखो सवाल में ही छिपा हुआ जवाब, जातिवाचक। क्या कह रहा है? पूरी जात का पता जिससे चल जाता है उसे हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे देखिए, हमने कहा कलम, हमने कहा लड़का, तो इससे क्या पता चल रहा है? कलम का मतलब पूरी दुनिया का कलम, लड़का मतलब जितना लड़का है सब, तो इससे पूरी जात का पता चल जाए तो लड़का। जैसे हमने कहा पुस्तक, तो इससे क्या पता चला? जिससे पूरी जात का पता चल जाए वो जातिवाचक। दूसरा आपका हो गया व्यक्तिवाचक, देखो व्यक्ति का मतलब एक खास, जिससे खास का पता चलता हो, है ना, तो जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का पता चले उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु का पता चले उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। क्लियर है? उछल रहा है, मैच जीत के आया सब। हाँ, हारियो जाता है अक्सर, देखे मैच हार भी जाता है ना, तो इस तरह के बमके का बादशाह की तरह। देखिए व्यक्तिवाचक, तो किसी खास व्यक्ति वस्तु, जैसे खास में देखिए कलम है ना, तो अब हमने कह दिया लिंक लाइसर का कलम, तो हमने कलमों में से एक खास कलम निकाल लिया। यहाँ लड़का है, लड़का में हमने राम का नाम ले लिया, कोई राम है तो खास लड़के का नाम हो गया। यहाँ पुस्तक है, पुस्तक में जैसे आपका हिंदी हो गया, आपका किसलिए हिंदी हो गया, है ना, तो ये खास किताब का नाम आ गया। जैसे हमने कहा ताजमहल पटना गंगा, है ना, आदमी में ले लिया लालू प्रसाद यादव सलमान खान ऐसा नाम, तो जो खास व्यक्ति वस्तु का नाम हो जाए वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। द्रव्यवाचक, देखिए वैसे एग्जांपल में आपको जातिवाचक में जो पूछेगा वो ये पूछेगा चौकीदार, है ना, चौकीदार, क्योंकि पूरी जात का पता चला तो जातिवाचक हो जाएगा। देखिए द्रव्यवाचक क्या है? जिसको हम मापे या तौले किंतु गिन ना सके हो, है ना, जिसको हम मापते या तोलते हो किंतु गिन ना सके, उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। जैसे आप देखिए दूध, दूध को हम क्या करते हैं? तोल करके लेते हैं या माप करके लेते हैं। आपका हो गया जैसे कि गेहूं, है ना, तो गेहूं क्या हो गया आपका? गेहूं जो हो गया वो आपका तोल करके लेते हैं, तो गेहूं हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो गया। हमने कहा पानी, पानी को भी हम कैसे खरीदते हैं? पानी लीटर के हिसाब से खरीदते हैं हम, तो जो भी वस्तु आपका माप के या तौल के खरीदा जाए उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक, ठीक है। जैसे आप देखो चांदी, है ना, सोना, ये सब कैसे लेते हैं हम? खरीद के लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तौल के खरीदते हैं, तो कैसे देता है? तौल के। तो किसी को मापे या तौले उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। गेहूं चावल आटा तेल प्याज लहसुन अदरक जो भी हो जाएगा। अगला आपका समूहवाचक। समूह का क्या मतलब होता है? जिससे पूरे झुंड का पता चलता हो। समूह का मतलब पूरे झुंड, यानी जिसमें अनेक चीज हो, नाम एक हो। जैसे आप देख लीजिए वर्ग,
वर्ग आपका क्या है, वर्ग पूरा पूरे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हो, पूरा समूह है, लेकिन हमने कहा इसको एक, तो ये क्या है समूहवाचक। कलम बड़ा करा। उसके बाद अंगूर, अंगूर क्या है, पूरा का पूरा समूह में बटा होता है। जैसे हमने कहा सेना, सेना क्या होता है, होती है पूरा, लेकिन उसका हम एक नाम दिया। जैसे कि टीम जो होता है, इंडियन भारतीय टीम, तो टीम जो होता है वो क्या होता है, हमारा 11 होता है लेकिन सबको, तो जिससे पूरे समूह अथवा दल का पता चल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक। लास्ट में है भाववाचक, क्या है भाववाचक, जिसको हम महसूस करते हो, क्या करते हो महसूस, यानी ऐसी संज्ञा जिसको न हम देखे न छू सके, केवल और केवल महसूस करे, उसे हम क्या बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे देखो जवानी है ना, जवानी जो है तो दिखता जवान है, जवानी नहीं दिखती है, उसको हम महसूस करते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा दिखता जो है वो बुढ़ा होता है, बुढ़ापा नहीं दिखती है, बचपना प्यार, क्या प्यार, इसको हम महसूस करते हैं। जारा महसूस करते हैं, कहोगे हमारी बड़ी जोड़ के जारा लगी है, तो जारा दिखाने की चीज है नहीं ना, अच्छाई बुराई, तो जिन चीजों को हम न देख सके न छू सके केवल महसूस कर सके वो हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। संज्ञा में एक दो टुआर हो जाता है, गणनीय संज्ञा और गणनीय संज्ञा, जिसको गिन सकते हो वो गणनीय संज्ञा हो जाता है, जिसको नहीं गिन सकते वो गणनीय। गणनीय संज्ञा में किसी जैसे कुर्सी, कुर्सी की संख्या जितनी भी हो जाए हम गिन लेंगे, लेकिन तारा, तारा को गिन सकेंगे, बाल का पाड़ का गिन सकेंगे, तो अगण्य, जिसको हम नहीं गिन सकते उसे हम क्या बोलते हैं अगण्य संज्ञा। तो आपका क्या है कि संज्ञा पूरा का पूरा क्लियर हो गया। संज्ञा, संज्ञा के बाद क्या आता है, संज्ञा में और कुछ बचा है, संज्ञा में नहीं बता है। उसके बाद सर्वनाम, देखिए संज्ञा के बाद आ जाता है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना, तो सर्वनाम जो है किसी संज्ञा के बदले में उपयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं जो हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो हूं, मैं का कोई नाम है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, तो हसान सर पढ़ा रहे, ठीक है, तो इसके पीछे तो नाम छिपा हुआ है ना, तो ये जो मैं यानी सर्वनाम का प्रयोग हम नाम के बदले में कर रहे थे, जिन शब्दों का प्रयोग हम नाउन के यानी संज्ञा के बदले में करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है, सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद हैं, छह। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो रुक जाइए, पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः तीन भेद हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम को पहले पढ़ा लेते हैं, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे किसी लिंग, जिससे किसी भी जाति का बोध हो, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके मुख्य तीन भेद है। पहला क्या हो गया आपका, उत्तम पुरुष हो गया, उसके बाद दूसरा आ जाता है मध्यम पुरुष आ गया आपका, उसके बाद आ गया अन्य पुरुष, ठीक है। देखिए तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं, कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, देखिए उत्तम पुरुष जो हो गया बोलने वाले व्यक्ति, वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। जैसे हो गया मैं बोल रहा हूं, तो मैं कौन सा हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। इसमें एक और आता है, हम आ जाता है, हम, ठीक है, तो मैं उत्तम पुरुष में एक वचन है और हम उत्तम पुरुष में अनेक वचन है, क्योंकि मैं में केवल मैं होता हूं और हम में एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हम, तो उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष जो सुनता हो, जैसे मैं बोल रहा हूं, सुन कौन रहे हो आप, जितने हो यहां पर सबको हम आप कहेंगे या तुम कहेंगे, तो आप या तुम, ये क्या हो गया आपका मध्यम पुरुष, तो सुन बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को अन्य पुरुष, हाँ मध्यम पुरुष, सॉरी सुनने वाले को मध्यम पुरुष, उसमें हम आप आ जाओगे, आप लोग, तुम लोग, क्लियर। अन्य पुरुष है तीसरा, जो बहिरा कहते हैं, जो न सुने, जिसके बारे में हम बात करें अर्थात वो सुन नहीं सकता हो, उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे सीता, जैसे वह, जैसे वे लोग, जैसे अहमद वगैरह, ठीक है। अन्य पुरुष वो व्यक्ति जिसके बारे में बात हो अर्थात वो नहीं सुने, इसलिए तो वो अन्य हो गया। मैं,
उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, और हम जिसके बारे में बात करें वो न सुने वो अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे देखिए सीता, अब हम सीता के बारे में बात कर रहे हैं, सीता यहाँ पर नहीं है। अगर सीता यहाँ पर होगी तो हम नाम लेके तो नहीं बोलेंगे, हम उसको आप कहेंगे तुम कहेंगे, तो जो सुन रहा हो वो कभी थर्ड पर्सन नहीं होगा। जैसे वह एक अच्छा लड़का था या है, वो यहाँ पर नहीं है। हमने कहा वे लोग अलग दोस्तों, यहां पर नहीं है, तो जो यहां पर नहीं होता उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। सीता सिंगुलर एक वचन, वह एक वचन, वे लोग जो हो जाता है वो बहुवचन, और अहमद है, अहम हो गया, अहमद जो हो गया वो, ये भी एक वचन हो गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है मुख्यतः तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोलता हो, मध्यम पुरुष जिस सुनता हो, और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात करते हो। अगला क्या है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद? निश्चयवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम आपका हो गया, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा दिया जो कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष हो गया। अगला आपका निजवाचक, क्या है निजवाचक? देखिए निजवाचक सर्वनाम किसे का होता है? जिससे निजता या स्वयं का बोध हो, जिससे निजता, निजता या फिर स्वयं का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो जाने का काम कौन, मैं जो कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं? खुद चला जाऊंगा। जैसे देखोगे बॉस उसमें सफर किया तो लिखा होगा यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, यानी आप अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। तो स्वयं जो हो गया, ये देखो आप, स्वयं और खुद, स्वयं जो खुद हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम, जिससे निजता का बोध हो, यानी वो व्यक्ति अपना काम स्वयं कर ले, दैट्स कॉल्ड निजवाचक सर्वनाम। अगला है आपका निश्चयवाचक। देखिए सवाल खुद कह देता, ध्यान से देखोगे, निश्चय, जिससे निश्चितता का पता चल जाए, जिससे, जिस वाक्य से निश्चितता का पता चल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना? जिससे निश्चितता का पता चले, ठीक है, जिससे निश्चितता का पता चले उसे हम क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं देख लीजिए, निश्चय का क्या मतलब होता है? जैसे यह एक लड़का है, तो यह का क्या मतलब हो गया? यह एक लड़का है, यानी एक निश्चित हो गया। हमने कहा जैसे वह तो निश्चित होता है, तो यह और वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? दोटो वह, यह और वह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। क्लियर? अगला आपका अनिश्चयवाचक, यानी जिससे निश्चितता का पता ना चले कि कितना व्यक्ति हो, कौन कौन है, उसे हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। जिससे वाक्य में सब्जेक्ट के काम करने वाले की निश्चितता का पता ना चले। जैसे देखिए कोई आ रहा है, यहां है कि वह आ रहा है, तो पता चल गया एक आदमी। यहां कह रहा है कि कोई आ रहा है, अब कोई में कितना आदमी है आपको पता चल रहा है? कोई में बहुत, 10 भी हो सकता है, 20 भी, 2 3 भी हो सकता है, तो यहां कोई आ रहा है हमें पता नहीं चल रहा है। जैसे कुछ लोग आ रहे हैं, है ना, कुछ लोग आ रहे हैं, तो कुछ लोग में भी नहीं पता चल रहा है कितने लोग आ रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि कुछ, कोई, बहुत से लोग आ रहे हैं, तो बहुत से लोगों में भी क्या हो गया आपका? ये भी पता नहीं चला, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा। तो जिस वाक्य में अनिश्चितता का पता चले, निश्चितता का बोध नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक। हिंदी के जिन शब्दों में अ लग जाता है वो उल्टा हो जाता है, निश्चय फिक्स, अनिश्चय जिसकी। क्लियर? आपका संबंधवाचक, संबंधवाचक का मतलब जो रिश्ता बताता हो, जो जोड़ता हो, है ना, जो वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ता हो, जैसे, है ना, जो जावेगा सो पावेगा, है ना, जो जागेगा सो पावेगा। दूसरा क्या है? जैसे देखिए, जो जागेगा सो पावेगा, जो जागेगा और सो पावेगा, तो यहां पर दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है? जो है वो आपस में जोड़ रहा है। दूसरा कोई एग्जांपल, जैसे वह मेरा भाई है जो पगला है या खेल रहा है। पगला, तो अब देखो वह मेरा भाई है और खेल रहा है, तो ये वह मेरा भाई है अलग वाक्य है, खेल रहा अलग है, ये जो क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो जोड़ने का काम कर रहा है वो क्या होता है? संबंध, रिश्ता का क्या मतलब होता है? रिश्तेदार में खाला फूफा, है ना, जो होता है जो भी रिश्तेदार, तो एक दूसरे को बढ़ाता जाता है, जोड़ता जाता है। तो संबंध का मतलब क्या हो गया? जोड़ने वाला। अगला है आपका प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाता हो, जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए, उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे में आप देख लो, तुम कहां जा रहे हो, है ना,
अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो भैया आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, हम कहाँ जा रहे हो। तो जब किसी वाक्य में कोई सवाल के उसे प्रश्नवाचक कहता है, जैसे तुम क्यों लेट आए, हैं लेट आए, तो फिर वो हम क्यों कह रहे हैं, क्या आपने खाना खा लिया, क्या जो है आपका वो प्रश्नवाचक हो गया, क्या वे लोग दिल्ली चले गए। तो जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। तो आपका सर्वनाम और विशेषण पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ये संज्ञा और सर्वनाम। उसके बाद विशेषण है, विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के मुख्यतः चार भेद हैं। विशेषण भी पढ़ाना है या विशेषण अगले क्लास में, विशेषण को रहने दीजिए, विशेषण हम आपका अगले क्लास में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका समय भी ज्यादा हो रहा है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास चलेगा। तो आपका जो है विशेषण आगे हम आपको नेक्स्ट थर्ड वीडियो में पढ़ा देंगे, ठीक है। थर्ड वीडियो जो होगा आपका विशेषण का हो जाएगा, विशेषण आपका पूरा हम पढ़ा देंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कोई चीज़ में प्रॉब्लम होगा तो। इसके बाद हम अगला क्लास आपका नेक्स्ट संडे को चलेगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।